हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं साक्षी कुकिंग में साक्षी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ कोई रेसिपी शेयर करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पर मैंने कोई रेसिपी अपलोड नहीं की है। बीच में एक आध मैंने किया भी है, तो बहुत पहले की रेसिपी मैंने बना के रखी थी, वही मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। एक्चुअली मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी तबीयत नहीं ठीक चल रही थी। मेरे पैनक्रियाज में ट्यूमर हो गया था, जिसका अब इलाज हो गया है, ऑपरेशन हो गया है। और आप लोग की दुआओं से और आप लोग के प्यार से मैं आज स्वस्थ हूँ, आप लोग के सामने हूँ। तो आगे मैं अब कंटिन्यू करूँगी अपनी, मतलब रेसिपी बना बना के अपलोड करूँगी। तो ऐसे ही अपनी अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए रखिएगा, जैसे आपने पहले बनाया रखा था। और आज मैं आप लोगों से एक छोटा सा वीडियो शेयर करने वाली हूँ, जो कि मैंने नहीं, मेरे बेटे ने अचानक से बना दिया था, तो मुझे कुछ ठीक लगा। मैं ससुराल गई थी अपने देवर के एंगेजमेंट में, तो छोटा सा घर का वीडियो बनाया है बेटे ने मेरे, तो हो सकता है आप लोग को अच्छा लगे। वो मैं अपलोड करूंगी, आगे की वॉइस जो होगी मेरे बेटे की होगी, क्योंकि उसी ने बनाया है। ये देखिए दोस्तों, मैं अपने गाँव आया हूँ, अपने दादी के घर। ये देखिए घर है इतना बड़ा। आइए मैं आपको पूरा घर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे घर का द्वार है। यहीं पे मेरी दादू, मेरी बाई, हमारी बाइक और हमारी गाड़ी खड़ी करते हैं। आइए मैं आपको घर के अंदर से भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे यहाँ का कल है। और ये हमारी तुलसी जी हैं। और ये हमारे यहाँ पपीता लगाया गया है, ये पपीता है। यहीं पर हमारे दादा दादी चाय पीते हैं। और ये हमारा चैनल गेट है, इससे भी हम लोग अंदर जा सकते हैं। मैं आपको दूसरे गेट से अंदर ले जाऊंगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा वो दूसरा गेट है। अब चलिए मैं आपको अंदर से सारा कमरा दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले अपना किचन दिखाऊंगा। ये देखिए मेरा किचन, इसमें मेरी मम्मी छोले भटूरे बना रही है मेरे लिए। और यहाँ पर मेरे यहाँ पर मसाले के डिब्बे हैं कुछ यहाँ पर। तो चलिए दूसरे रूम में। ये देखिए दोस्तों, ये लॉबी है, यह रूम से कनेक्ट है। आइए अब आपको मैं अपनी मम्मी के रूम में ले चलता हूँ। ये मेरी मम्मी का कमरा है, थोड़ा सा फैला हुआ है क्योंकि हम लोग ये देखिए बैग है, क्योंकि हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। ये देखिए फैला हुआ है, हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। ये हमारा ये फ्रिज अलमारी है। और ये तो चलिए अब अगले रूम में। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ड्राइंग रूम है, ये हमारा ड्राइंग रूम है। हम अभी अपने घर जा रहे हैं, तो चलिए बाहर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा बाथरूम है, ये भी एक बाथरूम है। तो चलिए अब उधर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये दादू और दादी हैं और मेरी बहन है। देखिए दोस्तों, हम जा रहे हैं। ये देखिए हमारी गाड़ी, तो चलिए गाड़ी में बैठते हैं। ये देखिए हमारी गाड़ी। हम लोग एयरप्लेन का वेट कर रहे हैं, वेटिंग रूम में आ गए हैं। हमारी फ्लाइट 3 बजे है। नहीं, 4 साल में वो था ना, तो ओएनजीसी की तैयारी की। फ्लाइट 3 बजे है।
ये देखिए वो जो बंदा हार्डली पीएसआई का एग्जाम छोड़ दिया है दूसरे के एग्जाम के लिए। देखिए ये एरोप्लेन है, हमारी एरोप्लेन का नाम विस्तारा है। देखिए